वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वीटी, आई होप आपको अच्छी होंगी। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसमें जो भी न्यू वीडियो बनाऊँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर पर किस तरह से पॉप बनाएँ अपने किसी के सहारे से। मैंने दोनों कान के साइड से मैंने बाल को लिया, थोड़ा सा बाल लेके मैंने पॉप बनाया है। देखिए मैं किस तरह से पॉप बना रही हूँ। अपने बाल को थोड़ा सा आगे की ओर फुलाना है। जितना बाल को मैंने कर्ली करना है वो मैंने आगे से बाल निकाल लिया है। शायद आपको इससे अधिक है या फिर कम हो तो कम ले सकते हैं। तो इसे मैंने कंघी की सहारा से आगे की ओर फुला के मैंने राउंड किया इसे। अब मैं इसे छोटा वाला क्लिप से मैं इसे क्लिप करूँगी। देखिए बस छोटा सा ये क्लिप है, इसे मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। मैंने इसे लगाया और फिर एक और मैंने दो तीन यहाँ क्लिप लगाया है। उसके बाद मैं पूरे बालों को लेके एक चोटी बनाऊंगी अच्छी तरह से। पूरे बालों को लेके आपको जितना ऊंचा चाहिए जूड़ा का उतना ऊंचा आप चोटी बना सकते हैं। मैंने चोटी बना लिया। मैंने इसमें एक रबर एक लगाया। रबर लगाने के बाद देखिए मेरा ये रबर पूरा लग गया अच्छी तरह से और बाल हो गया। अब मैं इसमें एक जूड़ा बन मेरे पास है ये ब्लैक रंग का, वो उसे मैं लगाऊंगी अपने बालों पे। ये अपने चोटी के अंदर मैं इसे अंदर फिल करूंगी। उसके बाद मैं जहाँ पर मैंने रबर लगाया था वहाँ पे ही इसे लगाऊंगी इसके ऊपर से। बस उसके बाद मैं पूरे बालों को अच्छी तरह से पहले उसमें जो भी सही से बाल होगा उसको मैं ठीक करूंगी बाल को। उसके बाद बाल को चारों तरफ फैलाना है। जो भी बाल को मैंने छोटी से वो जुड़ा बंद से बाहर निकाला है उसको बाहर निकालने के बाद मैंने उसके ऊपर एक पतली वाली रबड़ लगाई है। वो देखिए किस तरह से रबड़ लगा दिया। उसके बाद जितना भी बाल मैंने एक्स्ट्रा बाल जो था वो साइड से दो पार्ट में मैं निकालूंगी। मैं अपनी पे ही ट्राई करके दिखा रही हूँ। मैंने किसी के सहारे मैंने इसे बताया है किसी बिना सहारे से आप किस तरह से अपने बालों पे जूड़ा बनाएं, तो इसीलिए मैंने अपने पे ही ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको कि आप भी अपने से ही कर लें। फिर मैंने दोनों जो पार्ट करके दोनों मैंने बाल निकाला उसको मैं गुथ लूँगी। टाइट करके गुथ लेना है इसको। दोनों साइड मैंने कर लिया, देखिए किस तरह से मैंने दो साइड कर लिया। फिर इसको मैं अपने बालों पे जो है वो उसको साइड से राउंड करके दोनों तरफ से लगाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी जो है इसे भी घुमा के लगा दूँगी बाल में। ये दोनों तरफ से मैंने अच्छे से उसे यू वाली क्लिप से मैंने उसे कर दिया अटैच, जिससे मेरे बाल वो निकले नहीं जो मैंने फंसाया है अपने बाल पे जोड़ा में लगाया हूँ। साइड से दोनों तरफ से मैंने कर लिया। आप अपने अनुसार जितना भी हो आप यू क्लिप अपने बालों पे लगा सकते हैं। देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है। सिंपल तरीका से और आसान तरीका से मैंने आपको बताया। देखिए इसके बाद मेरे पास ये रोज़ का एक क्लिप है जो अपने बाल के सुंदर दिखने के लिए आप लगा सकते हैं। उसके लिए जूड़ा पिन को इसे मैं अपने बालों पे देखिए मैंने इसे फिल किया हूँ। रोज़ को मैंने बीच में लगाया, फिर वो स्टोन का जो है उसे मैंने चारों तरफ फिल किया। और अधिक भी लगाना चाहते हैं तो इसे आप अधिक भी लगा सकते हैं और फिर जिस डिज़ाइन में आपको लगाना है उस तरह से लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से ही लगाया। अब देखिए मेरे पास ये जो कर्ली मशीन है इसे मैं अपने बालों पे कर्ली गर्म करके मैंने इसे बालों पे कम से कम इसे यदि आप इसे बाल पे लगाते हैं तो कम से कम इसे 10 से 15 सेकंड तक अपने बालों पे लगे रहने दें जिससे आपका बाल कर्ली हो जाएगा। और जब भी कर्ली मशीन का आप यूज़ करें तो आप इसे जड़ से मतलब दूर ही रख के कर्ली के बाल का करें। देखिए मैंने अपने बालों कर्ली भी कर लिया और मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से करूँगी।
देखिए दोनों तरफ शो हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। इस समय जो वीडियो बनाऊंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद, बाय।